यह सब गुजरात के अंदर कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं कोशिश बहुत सारे कर रहे हैं, साजिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे। अभी मुझे किसी साथी ने कहा, पत्रकार साथी ने कहा, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से स्टेडियम कर दिया गया जो सरदार पटेल जी के नाम से था। अरे कांग्रेसियों, विश्व की सबसे विशालतम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी प्रतिमा जो दुनिया में किसी महापुरुष की नहीं है, वह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, वर्तमान उनके अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्या कभी सरदार पटेल के चरणों में सिर झुकाने आए क्या? आए क्या? ये सम्मान करेंगे? आजादी प्राप्त हुई, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में जिनको प्रधानमंत्री बनना था वो कोई और नहीं थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं, गृहमंत्री बनाया गया। अगर सरदार पटेल जी अगर गृहमंत्री नहीं बनते तो क्या भगवान सोमनाथ का मंदिर आज मंदिर के रूप में वहां दर्शन कर पाते क्या आप लोग? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, आप में अनेक लोग होंगे युवा नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, श्री रामशिला पूजन हुआ था, सवा सवा रुपया एक एक सदस्य की ओर से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए दिया गया था। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर बना हुआ बनता हुआ देख पाते क्या आप अपनी आंखों से? जम्मू कश्मीर जहां लाशों के ढेर लगा दिए जाते थे, लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, क्या क्या किया गया वो उसका वर्णन भी, मेरी बहनें भी बैठी हैं इसलिए नहीं कर सकता। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से समाप्त हो गई, और कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे तो फिर धारा 370 लाएंगे। सुना है कि नहीं सुना है आपने? वो आएंगे नहीं, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन उनकी सोच को देखिए, उनके विचार को देखिए, उन्हें मौका मिले तो गुजरात को दंगा प्रदेश बना दे और देश के टुकड़े टुकड़े करवा दे।